हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में तो फ्रेंड्स ये जो आज का वीडियो सेशन है ये आधारित रहेगा आपका साइंस का मॉक टेस्ट नंबर टेन पर तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है अदरक का कौन सा हिस्सा आप लोग खाते हैं सोचिए दिमाग पर जोड़ दीजिए कौन सा हिस्सा खाते हैं तना खाते हैं पत्ती खाते हैं फल खाते हैं या जड़ खाते हैं तो हम लोग क्या खाते हैं ऑप्शन ए तना खाते हैं ठीक ना? ऑप्शन ए राइट हो गया आगे बढ़ते हैं वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है सोचिए आप लोग को भी समय दे रहा हूँ पाँच सेकंड। सोचिए वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सा होता है तो ऑप्शन ए नाई ट्रो जन होता है ठीक ना जो सेवेंटी एट परसेंट वातावरण में पाया जाता है ऑप्शन ही राइट हो गया आगे बढ़ते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने में स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है पाँच सेकेंड है सोचिए कौन से धातु मिलाते हैं निकेल मिलाते हैं कौन सा धातु मिलाते हैं निकेल मिलाते हैं ठीक ना आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है मतलब उष्मा मतलब हीट को कौन सा कौन मतलब उष्मा मतलब हीट को एक तरफ से दूसरे तरफ या अपने अंदर से बहने की अनुमति देता है तो कौन है तो ऑप्शन बी समुद्र का पानी क्यों है कारण आपसे पूछ लेगा कि समुद्र का पानी उष्मा को ए मतलब फ्लो होने में बहने में क्यों मदद करता क्योंकि याद रखिएगा क्योंकि समुद्र के पानी में समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है पाया जाता है और सोडियम क्या है एक तरह का कंडक्टर की तरह काम करता है ठीक ना इसीलिए आगे बढ़ते हैं प्रोड्यूसर गैस क्या है ये तो सबको पता होना चाहिए ऑप्शन ए ठीक ना आगे बढ़ते हैं एल में कौन सी गंधे पदार्थ प्रयोग किया जाता है एल जानते हैं कि ये घरेलू गैस होता है और ये अगर लीकेज उकेज होता है तो इसमें एक गंध मिलाया जाता है कि जिससे हमको ज़्यादा डैमेज ना हो जिससे आपको पता चल जाए कि एल गैस जो है घरेलू गैस लीकेज हो रहा है तो उसमें एक गंधहीन पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका नाम क्या है पता है आप लोग को क्या पता है नाम बताइए वो एथिल मर्केटन मिलाया जाता है क्या मिलाया जाता है एथिल मर्केटन ठीक है और एल हम लोग जानते हैं कि प्रोपेन ब्यूटेन आइसोब्यूटन हाइड्रोकार्बोनो हाइड्रोकार्बोनो कार्बन का क्या है मिश्रण होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं बिजली के लैम्प का तंतु बना होता है ये तो सबको पता होना चाहिए किसका बना होता है टंगस्टन का बना होता है आगे बढ़ते हैं किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है नष्ट हो जाता है उसका की जो क्षमता होती है वो क्या होती है नष्ट ही हो जाती है ना? ऑप्शन डी राइट हो गया निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है संश्लेषित मतलब जो मैन मेड बनाया गया है यही ना हुआ कौन सा है सोडियम एंडसिल सल्फेट ऑप्शन डी राइट हो गया आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है बायोगैस तो उसमें मीथेन तो होता ही है सोडियम सल्फाइड भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है क्लोरीन नहीं होता है आपका ऑप्शन सी हो गया ठीक है न यहाँ पर आपसे नहीं पूछा था आगे बढ़ते हैं बल का ऐसा ही इकाई क्या है बल मतलब फोर्स सबको पता है न्यूटन होता है, है ना आगे बढ़ते हैं और जूल किसका होता है वाट किसका होता है ये होता है पावर का मतलब शक्ति का किनवन किसका होता है किनवन ये टेम्परेचर का होता है देखिएगा चेक करिएगा टेम्परेचर का ही होता है किनवन और जूल किसका होता है वर्क का होता है है ना काम का आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपलेट की तरह प्रयोग नहीं होता है ध्यान दीजिएगा आप लोग नहीं वाला जरूर क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना है बच्चे लोग हाँ वाला मार के आ जाते हैं लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा पूछ देता नहीं तो कौन सा नहीं है ऑप्शन सी आयोडीन ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयोग होता है प्राकृतिक जो रबर बनता है उसके वल्कनाइजेशन में प्रयोग होता है तो ऑप्शन सी एस मिलाने मतलब सल्फर ठीक है ना एस का मतलब सल्फर ही नहीं होता है सल्फर मिलाने से अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल जाता है तो एस हो जाएगा ठीक है बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूर दूरदर्शी का नाम है क्या नाम है उसका बाह्य अंतरिक्ष में स्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम है हब्बल दूरदर्शी क्या नाम है हब्बल दूरदर्शी यह एक तरह का कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित हुआ था इसे किसने स्थापित यह क्या है ये आपको जो है ना मैन मेड उपग्रह है ये कृत्रिम उपग्रह है ठीक ना? ये यह कृत्रिम उपग्रह है और इसे 1990 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से कक्षा में स्थापित किया गया था ठीक है ये याद रखना आंखों के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सबको पता होना चाहिए आपका रेटिना पे बनता है मतलब हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं जैसे पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं कौन सा गैस छोड़ता है सबको पता ऑक्सीजन देखते तो कितना हल्का पूछा जाता है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है बताइए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है सोचिए तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं एन ए ओ एच ठीक ना सोडियम हाइड्रोक्साइड आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन उक्सी, रहित वस्तु कौन सी है ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सीमेंट निम्नलिखित में से कौन सा धोबिया सोडा का सही सूत्र है धोबिया सोडा जो कपड़ा खींचने में प्रयोग होता है उस सोडा का क्या नाम है बताइए बी एन ए टू सी ओ थ्री टेन एच टू ओ इसे बोलते हैं धोविया सोडा मतलब कपड़ा खींचने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट जिसका नाम है इसका अगर पूरा नाम लिया जाए तो क्या है शो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट ठीक है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है ठीक है तो ये हो गया कोई क्वेश्चन तो भूले नहीं ना और एक क्वेश्चन देखिए भूल गए हम लोग वही तो हमको याद आया मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है पीटी ग्लैंड होती है प्य जिसे आप क्या बोलते हो सॉरी प्यूस ग्रंथी भी कहते हो ठीक ना पीट्यू को ऑप्शन बी राइट हो गया तो इस तरह से आपके ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए आपको तैयारी करने के लिए बिहार डी का लेवल ज्यादा नहीं पूछता है आपको प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट कर लो उतना काफ़ी है ठीक ना एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही अपना प्यार देते रहिए लाइक वीडियो को कमेंट करके ठीक है और नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके जिससे कि आप अपडेट रह सके मेरे साथ